आम शिक्षक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की अध्यक्षा कानपुर नगर से आज धरने के 30वें दिन इस धरा पे उपस्थित अग्रज अनुज वीर भगत सिंह झांसी की रानी महात्मा या लाइव मीडिया प्रशासनिक सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करते हुए सहर्ष ये कहूंगी कि भाइयों जितना शायद हम लोग तपे हैं, जितना खरा सोना शायद हम लोग है, आज घर बैठे सोच रहे हैं लोग कि वहां क्या हो रहा है। अरे मेरे भाइयों, आप अपने जमीर को जगाइए, अपने खोए हुए सम्मान को पाने के लिए दूसरे का मुंह क्यों देखते हैं। आप खुद एक योद्धा हैं और निकल लीजिए रण क्षेत्र में लड़ने के लिए। क्यों किसी के ऊपर आप सोचते हैं कि बोझ बने, किसी के ऊपर बोझ बनने से आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। स्वयं की लड़ाई लड़नी होती है जिंदगी में, तब वह व्यक्ति कहीं एक मिशन को प्राप्त करता है। और अपने खोए हुए सम्मान को पाने के लिए हमें आपको आज इसी की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने को योद्धा मानते हुए घर से बाहर कदम निकाले और पहुंचे इको गार्डन के मैदान में। इसमें वो अपने खुफिया लोगों को उतार के देखिए जनता किस तरह से भाषा प्रयोग करती है आपके ऊपर। तो आज भी अगर आपने गरीबी देखी है तो 172,000 परिवार आज भी आशा भरी निगाहों से आपके तरफ, अमित शाह जी के तरफ और हमारे महान सम्राट माननीय आदित्य योगीनाथ जी के तरफ देख रही है। और 172,000 परिवार आपका आभारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।